स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज का टॉपिक है एनेस्थीसिया, जिसको हम हिंदी में निश्चेतना भी कहते हैं। तो आज पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में कि एनेस्थीसिया कैसे प्रयोग में लिया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, और कितने प्रकार के एनेस्थेटिक ड्रग हैं जो सर्जरी के दौरान प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जितना भी एनेस्थेटिक ड्रग है और किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है, शल्य चिकित्सा में किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, सर्जरी के दौरान कैसे पेशेंट को ये दिया जाता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो जीएनएम के हो गए या फार्मासिस्ट हो गए, बीएमएस हो गए, बी फार्मा के स्टूडेंट हो गए, तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड में, अपना मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ करके स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जरी होती है, तो एनेस्थेटिक ड्रग की कितनी ज़रूरत होती है और किस हिसाब से एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है और कितने तरह के एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, तो ये सारे टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी एनेस्थेटिक ड्रग हैं या जिनको एनेस्थीसिया कहा जाता है, तो एनेस्थेटिक ड्रग की जरूरत होती क्यों है? आज से पहले सभी को पता होगा कि आज से पहले जो भी सर्जरी होती थी वो इतनी आसानी से नहीं हो पाती थी। सर्जरी करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता था और बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो सर्जरी कराने से डरते थे, लेकिन जब से एनेस्थेटिक ड्रग आ गए, एनेस्थीसिया का आविष्कार हो गया, तो ये जो प्रोसेस है सर्जरी की बहुत ही आसान हो गई और इसी की हेल्प से बड़ी बड़ी सर्जरी की जाने लगी है। और सर्जरी का मैं बता दूं कि अब जो सर्जरी है, फेफड़ों की सर्जरी, लीवर की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, इस तरह की बहुत सारी सर्जरी, यहाँ तक कि आंखों की भी सर्जरी बहुत आसानी से इन्हीं एनेस्थेटिक ड्रग के हेल्प से हो जाती है। तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, इंट्रोडक्शन, की एनेस्थेटिक ड्रग कहते किसको है, एनेस्थीसिया किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया क्या है? अगर किसी भी पेशेंट की सर्जरी की जानी है, मतलब कि शल्य क्रिया की जानी है, तो उसके पहले ही जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, जो जिसको हम निश्चेतक शल्य चिकित्सक भी कह सकते हैं, तो निश्चेतक शल्य चिकित्सक क्या करता है, एनेस्थेटिक ड्रग दे करके पेशेंट को क्या करता है, उसका संज्ञाहरण कर लेता है। संज्ञाहरण का मतलब उसको निश्चेत कर देता है, जिससे उसके अंदर सेंसेशन नहीं रह जाती है और आसानी से उस भाग की सर्जरी कर दी जाती है। तो एनेस्थेटिक ड्रग का सामान्य सा परिभाषा यही हुआ कि ऐसी दवाएं जिसका प्रयोग करके मरीज के अंगों में शिथिलता ला दी जाए, तो उसे ही एनेस्थेटिक ड्रग या एनेस्थीसिया कहा जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपको लिखना है, इस पे नोट्स बनाने हैं एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन पे, या परिभाषा देनी है, तो किस तरह से आप लिख सकते हो। तो बहुत ही सामान्य सी परिभाषा, बहुत ही सामान्य परिभाषा है। शल्य चिकित्सा में क्षति के विरुद्ध तीव्र दर्द एवं भय से शल्य कर्म में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए रोगी को औषधियों द्वारा पेशियों में शिथिलता की स्थिति उत्पन्न करना निश्चेतना कहलाता है। तो निश्चेतना का मतलब यही है कि अगर शल्य चिकित्सा में बाधा न लानी है, या पेशेंट को भय न, भयभीत नहीं करना है, या पेशेंट को भय न लगे, उसके लिए अगर जो दवा प्रयोग में ली जाती है उसको एनेस्थेटिक ड्रग कहते हैं, निश्चेतना औषधि या निश्चेतक औषधि कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को निश्चेतना कहते हैं। तो एनेस्थीसिया से जुड़े बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो निश्चेतक विज्ञान है, उसमें कितने वर्ड हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमेशा बोलचाल में प्रयोग में लिए जाते हैं। मेडिकल फील्ड की भाषा है, मेडिकल फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि निश्चेतक जो विज्ञान है, निश्चेतना का जो विज्ञान है, उसमें कौन कौन से शब्द जो हैं हमेशा प्रयोग में लिए जाते हैं, और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसमें से 10 शब्द मैंने अलग किए हुए हैं और आपको समझाने वाला हूँ कि 10 शब्द के अर्थ क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको प्रयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने निश्चेतना विज्ञान में प्रयोग में होने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसमें पहला जो शब्द मैंने लिखा है वेदना हरण, जिसको अंग्रेजी में हम एनेल्जेसिया कहते हैं। एनेल्जेसिया का शाब्दिक अर्थ हुआ दर्द का अनुभव न होना, हमेशा प्रयोग में लिया जाता है ये निश्चेतना में। तो वेदना हरण कह सकते हैं या एनेल्जेसिया कहते हैं, जिसका मतलब हुआ दर्द का अनुभव न होना। उसी तरह से
दूसरा जो मैंने लिखा है निश्चेतना चिकित्सक, तो बार बार शुरू ही मैंने इससे किया है, निश्चेतना चिकित्सक जो कि एनेस्थेटिक ड्रग के ऊपर काम करता है या पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग देता है या एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारी जानकारी जिसको पता होती है, एनेस्थेटिक ड्रग का जानकार जो होता है उसे ही निश्चेतना चिकित्सक कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करता क्या है, ये निश्चेतना का जानकार है, पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग कब देना है, कैसे देना है, अगर ड्रग रिएक्शन करती है तो किस तरह से उसको सही करना है, या मरीज अगर बेहोश हो जाए तो उसको उस बेहोशीपन से कैसे बाहर निकालना, ये सारी जानकारी इसको होती है। तो इसको निश्चेतना चिकित्सक या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तीसरा जो शब्द है वो है निश्चेतक, जिसको एनेस्थेटिक कहा जाता है। बार बार मैं यूज कर रहा हूँ एनेस्थेटिक ड्रग, तो जिसको हम निश्चेतक कहते हैं। तो निश्चेतक का मतलब ही हो गया, एनेस्थेटिक का मतलब हो गया बेहोशी के लिए प्रयोग में आने वाली औषधियां, उनको एनेस्थेटिक बोला जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है ऑक्सीजन अल्पता, ये भी प्रयोग में लिया जाता है, जिसको एनाक्सिया भी कहा जाता है। तो एनाक्सिया मतलब ऑक्सीजन अल्पता, शब्द से ही पता चल रहा है। ऑक्सीजन अल्पता का मतलब शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन समाप्त हो जाना। अगर हमारे टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया तो उसको हम एनाक्सिया कहते हैं। उसी तरह से रक्त ऑक्सीजन अल्पता जिसको कहा जाता है, इसको एनोक्सीमिया कहा जाता है। तो एनोक्सीमिया का मतलब हुआ रक्त में ऑक्सीजन 9 के बराबर होना। अगर ब्लड में ऑक्सीजन एकदम खत्म हो चुका है या नहीं है तो उसको हम एनोक्सीमिया कहते हैं। उसी तरह से श्वास श्वासरोध है, जिसको एनुमिया कहा जाता है। तो एनुमिया मतलब श्वास का क्षण मात्र के लिए रुक जाना। अगर कुछ देर के लिए अगर सांस रुक गई है पेशेंट की तो उसको एनुमिया कहा जाता है। उसी तरह से अतालता है, जिसको एरिदमिया कहा जाता है। एरिदमिया, अतालता मतलब एरिदमिया। अगर हृदय की धड़कन अनियमित है, सही तरीके से जो हार्ट बीट है नहीं चल रही, तो उसको एरिदमिया कहा जाता है। उसी तरह से हृदय मंदता अगर कहते हैं तो जिसको ब्रैडीकार्डिया इंग्लिश में कहा जाता है, ब्रैडीकार्डिया, जिसका मतलब होता है प्रति मिनट हृदय की धड़कनों का सामान्य से कम होना। मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है। तो अगर यही जो टाइमिंग है, यह जो टाइमिंग है हृदय की जो धड़कने की, वह अगर अलग हो जाए, 1 मिनट में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। उसी तरह से अल्पताप है, तो अल्पताप को हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये तो कॉमनली कई बार यूज में लेते भी हैं, आप लोगों को पता भी होगा हाइपोथर्मिया। तो शरीर का तापमान अगर कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया कहा जाता है। लास्ट है प्रेरण, तो प्रेरण का मतलब इंडक्शन। तो इंडक्शन किसे कहते हैं, रोगी में चेतना समाप्त होना। अगर रोगी को बेहोश कर दिया गया है, चेतना समाप्त हो गई है उसके शरीर की, तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं। अभी आगे देखते हैं कि एनेस्थेटिक ड्रग कितने तरह के होते हैं और कब इनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया देखेंगे तो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो बस 3 ही प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार के जो एनेस्थीसिया है वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो एनेस्थीसिया है उसको सार्वदैहिक कहते हैं, सार्वदैहिक निश्चेतना, जो कि पूरे शरीर को निश्चेत करने का काम करता है। इसको इंग्लिश में जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया जो डायरेक्टली है आईवी के थ्रू भी दे दिया जाता है या श्वास के द्वारा दिया जाता है, श्वास नली के द्वारा पेशेंट के शरीर में इसको पहुंचा दिया जाता है, जिससे पेशेंट बेहोश हो जाता है और तब जाकर के जो भी शल्य क्रिया है वो की जाती है। उसी तरह से अगर क्षेत्रीय एनेस्थीसिया कहेंगे तो जिसको रीजनल एनेस्थीसिया कहा जाता है, इसको इंजेक्शन के द्वारा बॉडी पार्ट में लगा करके एनेस्थेटिक ड्रग जो है इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में एंटर करा दिया जाता है और उसके बाद से जो सर्जरी करनी होती है वो किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुई द्वारा ऊतकों में पहुंचाकर, तो जो सेल टिश्यू है उसमें इंजेक्शन द्वारा इस मेडिसिन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसी तरह से थर्ड है जिसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जा रहा है। लोकल एनेस्थीसिया 4 पार्ट है और चारों पार्ट में अलग अलग नाम है जो अलग अलग फील्ड के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला नर्व ब्लॉक है, तो उसके लिए नर्व ब्लॉक एनेस्थेटिक ड्रग होता है, उसको हम प्रयोग में लेते हैं। तो नर्व ब्लॉक है लोकल एनेस्थीसिया में, नर्व ब्लॉक, और दूसरा है फील्ड ब्लॉक, और तीसरा है इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थेसिया जिसको कहते हैं, और चौथा है जिसको न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स कहा जाता है, न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स। और इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है स्पाइनल और दूसरा है एपिडूरा। तो स्पाइनल किसको कहते हैं, शरीर के धड़ से नीचे वाले जो हिस्से हैं,
उसको स्पाइनल कहा जाता है, तो उसमें उसको अगर निश्चित करना है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसी तरह मस्तिष्क के प्रकोष्ठ या मस्तिष्क के इंटरनली पार्ट को अगर इंटरनली पार्ट में अगर एनेस्थेटिक ड्रग देना है तो उसको एपिडूरा कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि एनेस्थेटिक जो ड्रग है वो कितने टाइप के होते हैं। और एनेस्थेटिक ड्रग को इसलिए इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि शरीर की जो संरचना है अलग अलग हिस्सों में अगर सर्जरी करनी है तो अलग अलग एनेस्थेटिक ड्रग की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे बॉडी को हम निश्चेत नहीं कर सकते हैं, बेहोश नहीं कर सकते हैं, पूरे बॉडी को बेहोश करना सही भी नहीं है। और दूसरी चीज, एनेस्थेटिक ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसलिए ज्यादा एनेस्थेटिक ड्रग प्रयोग में भी नहीं लिया जाता है। इसलिए जब सर्जरी की जरूरत होती है, किसी एक पार्ट में सर्जरी अगर करनी हो तभी उसके एनेस्थेटिक ड्रग का प्रयोग करना चाहिए। वैसे अलग अलग एनेस्थेटिक ड्रग के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आपको साइड इफेक्ट जानने हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं एनेस्थेटिक ड्रग के नाम के साथ मैं साइड इफेक्ट भी आपको बता दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। और दूसरे स्टूडेंट जो आपकी तरह क्लासेस कर रहे हैं या उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, अपने सब्जेक्ट और सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उनके तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,